चैनल, आई एम नेहा, योर एजुकेटर फॉर इकोनॉमिक्स पीजीटी। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था, हम अपना स्टार्ट करेंगे एसटेट का सारा सीरीज। तो हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं एसटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज। तो ये हमारी जो सीरीज होने वाली है, इसमें हम सभी एसटेट इकोनॉमिक्स जो पीजीटी के एग्जाम हुए हैं, जो भी पिछले एग्जाम्स हुए हैं, उनको कवरअप करेंगे। तो जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज, PYQ सीरीज, इसमें हम 2023 का जो पेपर हुआ था उसको डिस्कस करेंगे। जैसे कि हमें पता होता है हमारे जो सब्जेक्ट होता है उसके हमारे 60 क्वेश्चंस होते हैं। इन सभी 60 के क्वेश्चन को हमें, सभी 60 क्वेश्चंस को हम 4 पार्ट्स में करेंगे, ठीक है। हर पार्ट में 15 क्वेश्चंस रहेंगे। तो आज हमारा ये पहला पार्ट होगा। तो देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो हमारी वीडियो होने वाली है, ये दोनों मीडियम में होने वाली है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। अगर अब तक आपने चैनल को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, थैंक यू। तो देखिए, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, हाउ कैन द डेफिशिट इन ट्रेड बैलेंस बी एलिमिनेटेड, कि हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, व्यापार शेष है, उसमें जो डेफिसिट है, डेफिसिट का मतलब घाटा, उसको कैसे हम एलिमिनेट कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि ट्रेड बैलेंस क्या होता है, डेफिसिट क्या होता है। देखो, यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ, व्यापार शेष में घाटे को किस प्रकार से दूर किया जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा डीवैल्यूएशन। तो सबसे पहले समझते हैं कि डीवैल्यूएशन क्या होता है। डीवैल्यूएशन क्या होता है, जब हमारी देश में करंसी का प्राइस यानी कि जो हमारे देश की करेंसी है वो क्या है, रुपीज है, ठीक है, और किसी दूसरे देश की करेंसी मान लो डॉलर में है, तो उस देश की करेंसी के कंपैरेटिवली हमारे देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू लो हो जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, जब हम अपने देश की करेंसी की जो प्राइस है उसको लो कर देते हैं दूसरे देश की करेंसी के कंपैरेटिवली, तो ये डिवेल्यूशन की कंडीशन हो जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो हमारे एक्सपोर्ट होते हैं वो चीप हो जाते हैं, यानी कि सस्ते हो जाते हैं, और जो हमारे इम्पोर्ट होते हैं वो महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जो ये इस इमेज के मेथड से हम देखते हैं कि जो ये हमारा ट्रेड बैलेंस है, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है, यहाँ पर क्या है, हमारे इम्पोर्ट क्या हो गए हैं, इम्पोर्ट हमारे क्या हो गए हैं, वो हो रहे हैं, ठीक है, महंगे हो रहे हैं, और एक्सपोर्ट हमारे सस्ते हो रहे हैं, चीप हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, और इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, इसको हम डीवैल्यूएशन यानी कि जिसको हिंदी में अवमूल्यन कहते हैं, उसकी हेल्प से ठीक कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। सेकंड क्वेश्चन है, व्हेन द मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल MEC इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो देखो, यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है MEC क्या है, ग्रेटर देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि MEC ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो यहाँ पर हमें क्या पूछ रहा है कि जब हमारी मार्जिनल एफिशिएंसी ऑफ कैपिटल ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो क्या होगा, इन्वेस्टमेंट का क्या उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट नेगेटिव हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट जीरो हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव हो जाएगी, या इन्वेस्टमेंट इनफाइनाइट रहेगी, मतलब कि जो निवेश है वो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो, ये यहाँ पर ये हिंदी में दिया हुआ है कि जब पूंजी की सीमांत पर ये कुशलता ब्याज की दर से अधिक हो, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, देखो, जब हमारी जो MEC है वो फेवरेबल है, यानी कि मतलब कि जितना हमने किसी चीज़ में कैपिटल लगाया था उसके कंपैरेटिवली हमें जो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है वो हाई मिल रहा है, और उसका मतलब कि जो जितना हमने लगाया था उसके अकॉर्डिंग हमें हमारा एक पॉजिटिव फ्लो आ रहा है, तो यहाँ पर इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या है कि जो इन्वेस्टमेंट है वो लगाए रखेंगे, इससे हमारे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट मिलेगा। व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मोर देन MEC, नो इन्वेस्टमेंट विल बी मेड, मतलब कि निवेश धनात्मक होता है, यानी कि निवेश इन्वेस्टमेंट पॉजिटिव होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड, ठीक है। यहाँ पर क्या है, MEC ज़्यादा, देखो इस कंडीशन में जैसे कि हमने देखा था, यहाँ पर MEC हमारी ज़्यादा है रेट ऑफ इंटरेस्ट से, तो मेक्स मोर इन्वेस्टमेंट, तो जो इन्वेस्टर्स है यानी कि जो निवेश करता है वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट इज पॉजिटिव, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, नॉट मतलब नहीं है एक वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर ए पॉवर्टी एलिवेशन, यानी कि रोजगार के संदर्भ में कौन सा गरीबी को ख़त्म करने के लिए एक जो रोजगार प्रोग्राम है या एक स्कीम है वो नहीं है, क्वेश्चन ये है।
तो ऑप्शन है फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ट्राइसम, जवाहर रोजगार योजना और नरेगा। जैसे कि हमें पता है जवाहर रोजगार योजना, ये नरेगा नेशनल रूरल ये जो एम्प्लॉयमेंट गारंटी योजना है, ये क्या है, ये गरीबी को खत्म करने के लिए प्रोग्राम चले गए थे। और ये जो फर्स्ट है ऑप्शन में फूड फॉर वर्क प्रोग्राम, ये मतलब कि काम के बदले अनाज, आप काम करोगे उसके बदले आपको अनाज मिलेगा, ये भी गरीबी को खत्म करने के लिए दिया गया था। लेकिन जो ट्राइसम है ये इसका आंसर होगा, क्यों, देखो यहाँ पर ये आप हिंदी में पढ़ सकते हैं कि क्योंकि जो ट्राइसम है ये क्या है, इसकी फुल फॉर्म है ट्रेनिंग टू रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि रूरल यूथ यानी कि जो ग्रामीण क्षेत्रों के युवा है, रूरल का मतलब ग्रामीण, ग्रामीण क्षेत्रों के जो युवा है यानी कि जो यूथ है उनको सेल्फ एम्प्लॉयड बनाना, उनको स्वनिर्भर बनाना, ठीक है। ये स्पॉन्सर किया गया था प्लानिंग कमीशन 1979 में, ठीक है, इसको लॉन्च किया गया था। इसका जो ऑब्जेक्टिव था प्रोवाइड टेक्निकल एक्सपर्टीज यानी कि उनको तकनीकी रूप से सक्षम करना, इसको रूरल यानी कि गांव के जो लोग हैं बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन यानी कि जो गरीबी रेखा से जो नीचे लोग यापन करते हैं जो उस कैटेगरी में आते हैं उनको इसमें ट्रेनिंग प्रोवाइड की गई। हु आर द इन एज ऑफ 18 to 35, जो 18 से 35 एज के ग्रुप में आते हैं उनको ट्रेनीज आर पेड स्टाइफंड, जो यहाँ पर ट्रेनिंग जिनको दी गई थी उनको स्टाइफंड भी दिया गया था 250 से लेके 500 रुपये के बीच हर महीने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा सेकंड ट्राइसम। अगला क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द इंटर क्वार्टाइल रेंज ऑफ द गिवन डेटा। यहाँ पर ये स्टेटिस्टिक्स का क्वेश्चन है, ये हमें एक सीरीज दी हुई है, ठीक है, तो हमें इंटर क्वार्टाइल रेंज निकालनी है, क्या निकालनी है, IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज, जिसको हम Q3 - Q1 से निकालते हैं, ठीक है। इसको हम कैसे निकालेंगे, देखो सबसे पहले हमें ये जो सीरीज दी हुई है ये हम देख लेते हैं कि पहले ही ये असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, जो ये हमारी सीरीज है पहले ही हमें ये असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, ठीक है। तो जैसे देखो ये असेंडिंग ऑर्डर में दी हुई है, यहाँ पर हम मीडियन निकाल लेंगे, ये कितने डिजिट्स है, ये 11 है, 11 n+1/2 यानी कि 11+1/2, ये 6th टर्म क्या आ गई हमारी 46, आप काउंट करके देखेंगे यहाँ से 1 2 3 4 5, ये आ जाएगी हमारी 6th टर्म 46, ठीक है, ये आ गया हमारा मीडियन। अब हमें कैलकुलेट करना है Q3 and Q1 इस सीरीज से, तो इसको हम 46 को एक्सक्लूड करके, इसको मतलब छोड़ के, ये अब ये हो जाएगा हमारा लोअर हाफ मीडियन, ये हो जाएगा हमारा अपर हाफ मीडियन, ठीक है, जैसे कि हमने यहाँ ये सीरीज को लिख लिया है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकाल लेंगे लोअर हाफ में से Q1 और अपर हाफ में से Q3, और Q3 में से Q1 माइनस कर देंगे, यानी कि जो 23 आंसर आ जाएगा, आंसर 1, ये हमारा इंटर क्वार्टाइल रेंज हो जाएगा, ठीक है। क्वार्टाइल यानी कि चतुर्थक होता है, इसको हिंदी में चतुर्थक बोलते हैं, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन है 95, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा। यहाँ पर मैंने देखो नोट को अच्छे से हाईलाइट किया है, कई बार हम ध्यान से नहीं पढ़ते हैं पेपर के दौरान कि नोट है या नोट नहीं है, तो इसमें पूछा है कि कौन सी प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने का मेथड नहीं है। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्राइमरी डेटा क्या होते हैं, जब हम किसी भी चीज की इंफॉर्मेशन ऑन द स्पॉट उस जगह पर जाके खुद से कलेक्ट करते हैं, हम बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे जाके इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वहाँ से पूछताछ करते हैं, शेड्यूल्स बनवाते हैं, क्वेश्चनेयर्स करवाते हैं, पूरी इन्वेस्टिगेशन करते हैं, वो हमारा प्राइमरी डेटा होता है। तो देखो ऑप्शंस दिए हुए हैं, इन्फॉर्मेशन थ्रू एनुमरेटर्स, इन्फॉर्मेशन थ्रू शेड्यूल्स टू बी फिल्ड बाय द इन्फॉर्मेंट्स, ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ कमीशंस या डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि प्राइमरी डेटा जो होता है, जो हम प्राइम लेवल पर यानी इनिशियल लेवल पर ग्राउंड जीरो लेवल पर जाके खुद से कलेक्ट करते हैं, जो कि बिल्कुल स्टार्टिंग से हमने जाके कलेक्ट किया, मतलब हमने उसको उसका जो इनिशियल सोर्स है प्राइम सोर्स है वहीं से जाके कलेक्ट किया, किसी दूसरे की हेल्प से या किसी कहीं दूसरे जगह से हम उस डेटा को नहीं उठाया। तो देखो ऑप्शन थर्ड है यानी कि ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम रिपोर्ट्स ऑफ कमीशन, मतलब कि किसी कमीशन, कोई गवर्नमेंट ने कमीशन बनाई, कोई गवर्नमेंट ने कमेटी बनाई, उससे हमने इन्फॉर्मेशन लेके या उसकी रिपोर्ट से हमने डेटा को कलेक्ट कर लिया, तो इसका आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, थर्ड आंसर इसका हो जाएगा, ठीक है। देखो ये इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। यहाँ पर ये हिंदी में दिया हुआ है कि कौन से प्राथमिक समंकों का संकलन की रीति नहीं है, प्रगणकों द्वारा सूचना प्राप्त करना, सूचकों द्वारा अनुसूचियां भरवाकर सूचना प्राप्त करना, आयोगों की रिपोर्टों से, मतलब किसी आयोग की रिपोर्ट से,
सूचना को प्राप्त करना, तो ये थर्ड हो जाएगा इसका आंसर। या प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान, मतलब कि हमने डायरेक्ट पर्सनल जाके वहां पर हमने उनसे डेटा ले लिया। तो देखो ये है प्राइमरी डेटा, मतलब कि जहां हमने फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया, इन्फॉर्मेशन ली, पर्टिकुलर रिसर्च प्रोजेक्ट किया। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है कि हमें जो ऑलरेडी डेटा किसी ने कलेक्ट कर लिया, मतलब कि अगर आपसे कोई कहे कि आपको जाकर डेटा कलेक्ट करके लाना है, तो आप वहां पर गए, आपने वहां लोगों से बातचीत की, फिर आपने उस चीज़ के बारे में जाना, फिर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की, फिर उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे आपने अपनी रिपोर्ट तैयार की। फिर कोई दूसरा पर्सन आता है, उसको भी उसी चीज़ के बारे में डेटा चाहिए, वो आपकी हेल्प लेके उस डेटा को कलेक्ट कर लेगा, उसके लिए वो सेकेंडरी डेटा हो गया और आपने वो प्राइमरी लेवल पर डेटा कलेक्ट किया है। तो प्राइमरी डेटा क्या होता है, ए फ्रेश और फर्स्ट टाइम दिस हैपन टू ओरिजिनल कलेक्टर, जो कि हम फर्स्ट टाइम कलेक्ट करते हैं और जो कि ओरिजिनल होता है अपने आप में। और ये क्या होता है, रिसर्चर खुद कलेक्ट करता है, ठीक है। तो जैसे सर्वे हो गया, इंटरव्यू हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, ये प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के मेथड्स है, ठीक है। उसके बाद है क्वेश्चन 96, देश की मुद्रा के अवमूल्यन से, यानी कि किसी देश की जो करेंसी है उसका डीवैल्यूएशन से क्या होगा। तो जैसा कि हमने स्टार्टिंग में ही डीवैल्यूएशन का क्वेश्चन करा था कि डीवैल्यूएशन में क्या होता है, जब हम अपने देश की जो करेंसी है, अपने देश की जो करेंसी है उसकी वैल्यू डिक्रीज कर देते हैं दूसरे करेंसी की वैल्यू के कंपैरेटिवली, मतलब कि हमारे देश की वैल्यू जो करेंसी है उसकी वैल्यू दूसरे देश की वैल्यू जो करेंसी है उसके कंपैरेटिवली कम होगी, तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाएगा, जो हमारे एक्सपोर्ट है वो चीप हो जाएंगे और जो हमारे इम्पोर्ट है वो एक्सपेंसिव हो जाएंगे। तो एक्सपोर्ट्स भी कम चीपर और इम्पोर्ट्स भी कम एक्सपेंसिव, यानी कि आयात है वो महंगे हो जाएंगे और निर्यात है वो सस्ते हो जाएंगे, ठीक है। तो ये होगा इफेक्ट डिवेल्यूशन का। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, इसका आंसर हमारा हो जाएगा सेकंड, इम्पोर्ट्स बिकम एक्सपेंसिव एंड एक्सपोर्ट्स बिकम चीपर, ठीक है। अब है हमारा ये क्वेश्चन 97, रैचेट्स इफेक्ट मीन्स, रैचेट इफेक्ट का मीन क्या होता है। तो देखो हिंदी में इसको कहते हैं अनिवर्ती प्रभाव से क्या अभिप्राय है। हम सब ने मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक इनकम हाइपोथेसिस का टॉपिक पढ़ा था, ग्रेजुएशन में भी, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी। तो इनकम हाइपोथेसिस में एक हम ड्यूजनबेरी का इफेक्ट पढ़ते हैं, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, उसमें वो क्या कहता है उसको हम एक ब्रीफ में समझते हैं यहाँ पर, क्योंकि हम PYQ सीरीज पर है, पूरा कंसेप्ट हम बाद में करेंगे। तो रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जो कि ड्यूजनबेरी ने की, उसमें क्या कहता है कि अगर हमारे इनकम जैसे जैसे बढ़ती है, ठीक है, ऐसे ऐसे हमारे एक्सपेंसेस भी उसके अकॉर्डिंग हमारे चलते रहते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, अगर इनकम कम हो जाती है, यहाँ पर ही हाइपोथेसिस क्या कर रही है कि जब इनकम के कम होने से हमारे जो एक्सपेंसेस है, हमारी जो कंजम्पशन है वो कम नहीं होती, अगर हमारी इनकम जीरो भी होगी, कुछ ना कुछ हमें जीवन यापन के लिए चाहिए होगा, मतलब कि कंजम्पशन फिर भी कुछ ना कुछ रहेगी। तो कुछ बार कई बार ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास इनकम नहीं होती, फिर भी हमें जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए होता है, और भी हमारी कुछ बेसिक नीड्स होती है, उनके लिए हमें उन चीज़ों का कंजम्पशन करना होता है। तो इसको हम क्या कहते हैं, रैचेट इफेक्ट कहते हैं, मतलब कि इनकम के कम होने से जो हमारी कंजम्पशन है वो कम नहीं होती, कंजम्पशन स्टेबल रहती है या नेगेटिव नहीं होती, ठीक है। तो ये क्या होगा, रैचेट इफेक्ट होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा फोर्थ, मतलब कि व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम, व्हेन देयर इज अ डिक्रीज इन इनकम देयर इज नो कोरेस्पोंडिंग डिक्रीज इन कंजम्पशन। जैसे कि मैंने बताया है कि अगर इनकम मान लो कम भी हो रही है, लेकिन खर्चे हमारे कम नहीं होंगे, यानी कि अगर हम बेसिक से बेसिक नीड, बिल्कुल जो हमारे ज़रूरत के खर्चे हैं उनको ही करें, फिजूल के खर्चे ना करें, फिर भी हमारे जो खर्चे वो बिल्कुल ख़त्म नहीं हो सकते। हमें खाने के लिए कुछ ना कुछ भोजन चाहिए, रहने के लिए मकान चाहिए, अगर हम किराए पर रहते तो उसका किराया भी देना पड़ेगा, मतलब कुछ ऐसे बेसिक जो हमारे खर्चे हैं वो होंगे ही होंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा फोर, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 98 क्वेश्चन, इसमें भी ये पूछा हुआ नोट में, विच इज नॉट द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनिटरी पॉलिसी ऑफ RBI, यानी कि कौन सा मेन ऑब्जेक्टिव नहीं है मौद्रिक नीति का RBI का। RBI क्या है, हमारा सेंट्रल बैंक। तो ऑप्शंस क्या है, अचीविंग प्राइस स्टेबिलिटी, एनकरेज इकोनॉमिक ग्रोथ, मैक्सिमाइजिंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ मनी, स्टेबलाइजिंग द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑफ रूपी। तो देखो यहाँ पर हिंदी में क्या दिया हुआ, भारतीय रिजर्व बैंक की मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य कौन सा नहीं है, कीमत स्थिरता को प्राप्त करना, आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहित करना, मुद्रा की उत्पादकता को अधिकतम करना, या रुपये की विदेशी विनिमय दर में स्थिरता लाना। तो देखो जो मेन ऑब्जेक्टिव है RBI के वो क्या है, मॉनेटरी और क्रेडिट सिस्टम को कंट्रोल करना, यहाँ पर ये लिखे हुए हैं,
स्टेबलाइज करना इंटरनल और एक्सटर्नल वैल्यू को, बैलेंस करना सिस्टमेटिक तरीके से जो बैंकिंग है उन सबको, डेवलप करना मनी मार्केट को, प्रॉपरली अरेंज करना, मैनेज करना पब्लिक डेब्ट को, एस्टेब्लिश करना रिलेशंस को और कंट्री का और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में। और ये क्या है, ये भी इसके आरबीआई के वर्क्स है, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, मार्जिन स्टैंडिंग, फर्टिलिटी फंडिंग, सीआरआर, कैश रिजर्व रेशो, एसएलआर, स्टैटूटरी लिक्विडिटी रेशो, इन सभी को आरबीआई हैंडल करता। वहां पर उन्होंने पूछा कौन सा उसका उद्देश्य नहीं है, तो यहाँ पर क्या आएगा इसका आंसर कि वो ना जो ये मैक्स प्रोडक्टिविटी है मनी की, मतलब मनी कितना ज़्यादा प्रोडक्टिविटी हो सकता है उसकी जो यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज ये नहीं करता, ये काम आरबीआई का नहीं होता। इसका आंसर हो जाएगा हमारा थर्ड। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज फॉल्स रिगार्डिंग फ्रीक्वेंसी हिस्टोग्राम। तो देखो, हिस्टोग्राम, जाइव कर्व, बार ग्राम, पाई चार्ट, ये स्टैटिस्टिक्स का बेसिक पार्ट है, इसको हम स्टैटिस्टिक्स की सीरीज में करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हिस्टोग्राम के बारे में स्टेटमेंट्स दी हुई है, उसके बारे में कौन सी ये जो कंडीशन है वो फॉल्स है, यानी कि गलत है। तो ऑप्शंस पढ़ते हैं, इट इज़ यूज्ड फॉर कंटिन्यूस सीरीज, ये कंटिन्यूस सीरीज के लिए यूज होती है। इट इफ क्लास इंटरवल्स आर इंक्लूसिव देन दे शुड फर्स्ट बी कन्वर्टेड इंटू एक्सक्लूजनरी रेंजेस। अगर क्लास इंटरवल इंक्लूसिव दिए हुआ है तो पहले हम इनको एक्सक्लूजनरी रेंज में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। All the rectangles are made adjacent to each other. तो जो हम frequency histogram बनाते हैं तो इसमें जितने भी जो rectangles बनते हैं, देखो histogram में जो जैसे कि ऐसे ये rectangles बनते हैं, ये एक दूसरे से सटे हुए होते हैं, चिपके से हुए होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बनते हैं, चिपके चिपके से बनते हैं ये ऐसे। ठीक है, और ये ऐसे आपस में यूँ खुले अलग अलग नहीं होते, जैसे अलग अलग से होते ना, ये ऐसे नहीं होते, ये इस तरह से होते हैं, एक दूसरे से adjacent होते हैं, एडजेसेंट यानी कि एक दूसरे से सटे हुए होते हैं। फोर्थ है, अर्थमेटिक मीन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम्स, यानी कि जो हमारा मीन है उसको हम डिटरमाइन कर सकते हैं हिस्टोग्राम से। तो इसका आंसर हो जाएगा हिस्टोग्राम की हेल्प से। मैं आपको बता दूं, हम मोड डिफाइन करते हैं, कभी भी हम मीन नहीं निकालते। तो यहाँ पर ये हिंदी में दिया हुआ है, अवर्ती आया चित्र, इसको आप हिंदी में पढ़ लेना। तो देखो ये हमारा हिस्टोग्राम है, ठीक है, तो देखो ये आपस में एक दूसरे से ऐसे चिपका हुआ है, ये हिस्टोग्राम का ग्राफ है। हिस्टोग्राम्स की हेल्प से हम जो डेटा होता है वो यूज होता है मोड को डिफाइन करने में। दे डू नॉट प्रोवाइड डायरेक्ट वे टू डिटरमाइन द अर्थमेटिक मीन, तो इससे हम अर्थमेटिक मीन को नहीं निकाल सकते। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक मीन कैन नॉट बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ हिस्टोग्राम। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज रिजल्ट ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन 1991 चाइनाज डंपिंग हैड द मोस्ट डेंजरस इम्पैक्ट ऑन विच ऑफ द सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। देखो 1991 में हमारे एलपीजी प्रोग्राम आए थे, जो कि हमारे मनमोहन सिंह जी और वी नरसिम्हा राव जी की जो गवर्नमेंट थी वो लेके आए थे। तो इससे क्या हुआ था, फलस्वरूप चीन की डंपिंग का भारतीय अर्थव्यवस्था पर किस क्षेत्र पर खतरनाक प्रभाव पड़ा था। तो वो तो वो ले आए अपने जो प्लान्स है, लेकिन फिर भी जो चाइना का जो काम है डंपिंग करना, उससे हमारे इकोनॉमी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा। तो सबसे पहले देखो डंपिंग क्या होता है, डंपिंग एक ऐसी कंडीशन होती है जब किसी दूसरे देश की इकोनॉमी हमारे देश के मार्केट को कैप्चर कर लेती है। जैसे कि अभी आपने आज से दस एक साल या आठ दस साल पहले की बात लगा लो कि हमारे यहाँ एंड्रॉयड फ़ोन का जो एक ट्रेंड है 2010 के बाद से शुरू हुआ था। पहले सबके पास कीपैड फ़ोन होते थे, तो वो 2011-12 के बाद लोगों में एंड्रॉयड फ़ोन का जो एक क्रेज़ है वो स्टार्ट हुआ। तो एंड्रॉयड फ़ोन की जो प्राइस है वो थोड़ी ज़्यादा थी, तो चाइना ने यहाँ पर इंडिया में क्या किया, ओप्पो और वीवो के फ़ोन लॉन्च कर दिए। आपने देखा होगा कि हर किसी के पास ओप्पो वीवो का फ़ोन था और प्राइस उनके बिल्कुल रीज़नेबल थे। तो इससे क्या हुआ, उन्होंने इंडिया की मार्केट को, मोबाइल मार्केट को कैप्चर कर लिया। तो यहाँ पर क्या होता है, जब एक देश की मार्केट दूसरे देश की मार्केट में अपने प्रोडक्ट को लॉन्च कर देती है एक लो प्राइस पे, जिससे उस देश की मार्केट पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको डंपिंग कहते हैं। तो यहाँ पर 1991 की बात हो रही है, तो उन्होंने क्या किया, जब डंपिंग की तो सबसे ज़्यादा जो लॉस हुआ वो एमएसएमई सेक्टर्स को हुआ था। ठीक है, तो वो हुआ था एमएसएमई सेक्टर्स को हुआ था, यानी कि जो लघु एवं मध्य उद्योग होते हैं एमएसएमई सेक्टर्स, ठीक है, लघु एवं मध्य उद्योग होते हैं, उन पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था। ठीक है, तो डंपिंग आपको पता चल गया क्या होती है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन है, विच इज नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ ए आइडियल मीनिंग।
मतलब कि एक आदर्श माध्य, आइडियल मीन का मतलब होता है एक आदर्श माध्य की विशेषता नहीं है। यहाँ पर हिंदी में दिया हुआ है आदर्श माध्य की विशेषता नहीं है। तो देखो ऑप्शंस पढ़ो, द आइडियल मीन शुड बी क्लियरली डिफाइंड, जो आइडियल मीन है वो क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, जैसे कि हम मीन निकालते हैं हमारे पास अलग 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 कोई भी वैल्यू दी होती है, कोई भी अलग अलग वैल्यू दी होती है 3, 4, 5, 6, 7 ठीक है 12 जो भी दी हुई है, ये सभी पर बेस्ड होता है ठीक है। हम सभी को कैलकुलेट करके फिर हम मीन निकालते हैं। इट शुड बी मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, तो ये क्या ऑप्शन दिया हुआ है, मोस्ट अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। दिस शुड बी हेल्पफुल इन अदर एल्जेब्रिक इंटरप्रिटेशन। तो देखो हम आइडियल मीन की बात कर रहे हैं, आदर्श माध्य, तो यहाँ पर क्या है मीन की जो प्रॉपर्टीज होती है, करेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हम मीन बिल्कुल सिंपल तरीके से निकाल सकते हैं, इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ओवरऑल एक ही तरीके का एवरेज होता है, और ये सभी जितनी भी सीरीज में जितनी भी आइटम होती है उन सभी पे बेस होता है। इसकी हेल्प से हम और भी जो हमारी एल्जेब्रिक जो आइडेंटिटीज है और भी जो हमारे आगे के मेथड्स हैं उनको हम यूज़ कर सकते हैं। ये सैम्पलिंग स्टेप भी कहलाता है, लेकिन इसकी ये क्या है, ये अफेक्ट किससे होता है, एक्सट्रीम वैल्यू से। शुड बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू, हमें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, शुड बी अफेक्टेड बाय एक्सट्रीम वैल्यू। यहाँ पर क्या, शुड नॉट बी अफेक्टेड, मतलब कि नहीं होता, और उसमें क्या दिया हुआ था, ये अफेक्टेड होता, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा थर्ड ठीक है। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द ग्रीन रेवोल्यूशन अडॉप्टेड इन इंडिया, यानी कि भारत में जो हरित क्रांति है वो कब अपनाई गई। तो देखो भारत में जो हरित क्रांति है वो 1996 में खरीफ की फसलों पे उगाई गई ठीक है, 1996 में खरीफ की फसलों पे उगाई गई। तो जो खरीफ की फसल होती है वो एक मानसून क्रॉप है, यानी कि जो वर्षा का मौसम होता है मतलब बारिश का सीजन होता है उस दौरान उसकी ये फसल है। खरीफ सीजन डिफर्स इन एवरी स्टेट, मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग राज्यों में जो खरीफ का सीजन है वो अलग अलग होता है, मतलब जून से सितंबर के बीच खरीफ की फसलें बोई जाती है और मानसून के टाइम यानी कि सितंबर अराउंड उनको काट लिया जाता है ठीक है। राइस, मेज, बाजरा, रागी, सोयाबीन, कॉटन, ये खरीफ की फसलें हैं। तो जो ये है ये आपको पता चल गया, ये खरीफ की फसलें हैं। अब देखो ग्रीन रेवोल्यूशन कब आया था, तो ग्रीन रेवोल्यूशन जो है ये इंदिरा गांधी जी के मेजर स्टेप्स के टुवार्ड्स आया था, और इन्होंने एग्रीकल्चर जो कंडीशंस है उनके द्वारा इनके बारे में डिस्कस किया गया। ये पीरियड था हमारा 1967 से 78 का, और मेनली इसको हरियाणा पंजाब में बहुत ज़्यादा इसको एक हाइप मिली थी। और यहाँ पर क्या था, जो हमारे ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर है एम एस स्वामीनाथन, इन्होंने इसको प्रोजेक्ट को लेड किया था ठीक है। तो यहाँ पर ये ग्रीन रेवोल्यूशन का हमारा हो गया। अब है हम किस किस मेथड से कर सकते हैं ग्रीन रेवोल्यूशन, इसमें ही हुए थे मल्टीपल क्रॉपिंग यानी कि बहुत सारी फसलें एक साथ उगाना, सीड्स विद सपोर्ट, सुपीरियर जेनेटिक्स, प्रॉपर इरीगेशन, HYV सीड्स, पेस्टिसाइड्स, मॉडर्न मशीन्स, एक्सपेंशन ऑफ फार्मिंग एरियाज ठीक है। अब देखो अब एक क्वेश्चन और आता है कि ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर कौन है, तो इंडिया लेवल पे पूछे तो इंडिया लेवल पे है ग्रीन रेवोल्यूशन के फादर एम एस स्वामीनाथन। अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछे, अगर वर्ल्ड लेवल पे पूछे तो वो है नॉर्मन बोरलॉग, वो है नॉर्मन बोरलॉग। यहाँ पर रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन वर्ल्ड लेवल नॉर्मन बोरलॉग, अगर इंडियन लेवल पे पूछे तो वो है एम एस स्वामीनाथन ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन डायनामिक मल्टीप्लायर। डायनामिक मल्टीप्लायर जिसको हिंदी में प्रवेगी गुणक कहा जाता है, तो वो क्या होता है, देखो जब एक डायनामिक मल्टीप्लायर को हम डिफाइन करते हैं तो वो क्या कहता है, डायनामिक मल्टीप्लायर रेफर्स टू द कंसेप्ट इन इकोनॉमिक्स वेयर द इनिशियल चेंज इन इकोनॉमी, मतलब कि जब हमारी इकोनॉमी में जरा सा भी या थोड़ा सा भी शुरुआत में चेंज होता है किसी वेरिएबल में, किसी चर में, सच एज गवर्नमेंट स्पेंडिंग यानी कि जो गवर्नमेंट के कुछ खर्चे हैं उसमें मतलब कुछ वेरिएबल में जो चेंजेस करते हैं, लीड्स टू अ सीरीज फर्दर चेंजेस, तो क्या होता है उसके जो उससे रिलेटेड जितनी भी सीरीज होती है उनमें फर्दर आगे चेंजेस आते रहते हैं, टेम्प्लीफाइज द ओवरऑल इम्पैक्ट ऑन इकोनॉमी, मतलब इसका क्या असर पड़ता है कि इसका इम्पैक्ट पूरी ओवरऑल इकोनॉमी पे पड़ता है। इट कैप्चर्स द क्यूमुलेटिव इफेक्ट, मतलब कि एक संचयी इफेक्ट डालता है कि इस पर इनिशियल चेंज जो उस पर हुआ था, पॉजिटिव सेकेंडरी एंड टेरिटरी इफेक्ट, तो उसके जो आगे आने वाले इफेक्ट है वो पूरे ऑल आउट ओवरऑल हमारी इकोनॉमी में पड़ते हैं। तो ये क्या है, एक चेन रिएक्शन है, तो इसका मतलब हो जाएगा कि सभी एक टाइम पर सभी जितने भी वेरिएबल्स है ऑन द टाइम पास चेंज इन रिलेटेड वेरिएबल, एक टाइम पर जितने भी हमारे वेरिएबल्स है यानी कि जो थर्ड आंसर हो जाएगा उन सभी पर इसका प्रभाव पड़ता है।
ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द सम ऑफ डेविएशन ऑफ डिफरेंट वैल्यूज टेकन फ्रॉम द अर्थमेटिक मेन इज ऑलवेज। तो ये क्या होगा हमारा, देखो समांतर माध्य के लिए लिए गए विभिन्न पदों के मूल्यों के विचलनों का योग सदैव क्या होता है, ये होता है हमारा हमेशा क्या होता है, जीरो। ठीक है, जीरो। तो देखो क्यों इसका जीरो क्या होता है, बाय द डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक मीन, जो हमारा मीन होता है जिसको हम एवरेज भी बोलते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, वैल्यू दैट बैलेंस द डेविएशन, ये जो हमारे जो डेविएशन होता है उसको बैलेंस करती है, और उनका जो सम होता है वो उसको जीरो बना देता है, मेकिंग देयर सम जीरो। और जो हमारा इसका मतलब क्या है, जो हमारा स्टैटिस्टिक्स उसमें डेविएशन का जो सेट होता है, डेविएशन ऑफ ए सेट ऑफ वैल्यूज फ्रॉम देयर अर्थमेटिक मीन इज ऑलवेज जीरो। तो ये कंसेप्ट है जिसको स्टैटिस्टिक्स में हम डिटेल में समझेंगे। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा वन, यानी कि जीरो। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा व्हाट वुड बी द लाइकली आउटकम ऑफ सेल ऑफ सिक्योरिटीज ऑफ सेंट्रल बैंक इन ओपन मार्केट। मतलब कि क्या हमारा आउटकम निकल के आएगा, क्या हमारा आउटकम निकल के आएगा अगर हम सिक्योरिटीज सेल करेंगे, अगर सेंट्रल बैंक सिक्योरिटी सेल करेगा किसका, ओपन मार्केट में। तो सबसे पहले देखो ओपन मार्केट क्या होती है, ओपन मार्केट क्या होती है, देखो यहाँ पर ये हिंदी में दिया हुआ, आप इसको समझ लीजिए। केंद्रीय बैंक द्वारा खुले बाजार में प्रतिभूतियों की बिक्री का संभावित परिणाम क्या होगा। ठीक है, तरलता और ब्याज में वृद्धि, तरलता में वृद्धि और ब्याज दर में कमी, तरलता और ब्याज दर में कमी, तरलता में कमी तथा ब्याज दर में वृद्धि। तो देखो सबसे पहले हम समझते हैं कि ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या होते हैं। इन ए ब्रॉडर सेंस ओपन मार्केट ऑपरेशंस रेफर टू द सेल एंड परचेज ऑफ सिक्योरिटी इन सेंट्रल बैंक इन द ओपन मार्केट। मतलब कि वो सभी ऑपरेशन, वो सभी क्रियाएं जिसमें सेल और परचेज यानी कि खरीदना और बेचना किसी तरह की सिक्योरिटी का, किसके द्वारा, सेंट्रल बैंक के द्वारा, आरबीआई यानी कि आरबीआई के द्वारा एक प्रॉपर इकोनॉमी में सिक्योरिटियों का सेल करना या परचेज करना एक खुली अर्थव्यवस्था में, खुली मार्केट में, तो ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। तो जब क्या होगा, जब आरबीआई यानी कि सेंट्रल बैंक हमारी आरबीआई इनवाइट करती है, आरबीआई जब हमारी आरबीआई इनवाइट करती है पब्लिक को कि आप किसी सिक्योरिटी को लो, तो लोग क्या है वहां पर वो सिक्योरिटी को खरीदेंगे। अब लोगों का पैसा क्या हो गया, सारा आरबीआई के पास चला गया। आरबीआई के पास कैसे चला गया, क्योंकि लोगों ने अब उस सिक्योरिटी को खरीद लिया, परचेस कर लिया। अब लोगों ने परचेस कर लिया, उनके पास तो कैश कम हो गया, यानी कि हमारे पास जो कैश की लिक्विडिटी है वो कम हो गई, रिडक्शन हो गई। तो क्या हो गया, तो इससे क्या हो गया, मनी सप्लाई क्या हो गई, इकोनॉमी में कम हो गई। तो देखो व्हेन द सेंट्रल बैंक सेल सिक्योरिटी इन द ओपन मार्केट इट रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये क्या हो गया, हमारी मनी सप्लाई को रिड्यूस कर देता है इकोनॉमी में, बिकॉज बायर्स ऑफ द सिक्योरिटीज पे फॉर देम। क्योंकि बायर क्या, अगर हमने उसको खरीद लिया तो हमने उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। अब हमारे पास क्या है, बैंक डिपॉजिट है, कैश है, तो हम वहां से उसको लेके पैसे निकलवा के उनको दे देंगे। विच इफेक्टिवली रिमूव्स मनी फ्रॉम द सर्कुलेशन। अब क्या है, जो सर्कुलेशन में मनी है, इकोनॉमी में मनी है, वो क्या होगा, उसको इफेक्ट करेगी। दिस रिडक्शन इन द मनी सप्लाई लीड्स टू डिक्रीज इन लिक्विडिटी इन द बैंकिंग सिस्टम। अब ये रिडक्शन आ गया मनी सप्लाई में, ये क्या करेगा, डिक्रीज करेगा लिक्विडिटी को यानी कि तरलता को बैंकिंग सिस्टम की, और इससे क्या रिजल्ट निकल के आएगा, लेस मनी अवेलेबल, इंटरेस्ट रेट टेंड टू राइज। तो अब हमारे, अब क्या होगी, मनी कम होगी अवेलेबल, और क्या होगा, इंटरेस्ट रेट हाई हो जाएंगे। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा, रिडक्शन इन लिक्विडिटी एंड इंक्रीज इन इंटरेस्ट रेट, इसका आंसर हमारा फोर्थ हो जाएगा। तो देखो आज हमने ये 15 क्वेश्चन की सीरीज को कंप्लीट कर लिया होगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम इसके बाद पार्ट टू में बनाएंगे, जिसमें हम नेक्स्ट 15